अगस्त को दिल्ली के ट्रैफिक रूट में होगा बदलाव। लाल किले के आसपास के क्षेत्र में आवाजाही पर रोक। विपक्षी एकजुटता के लिए सोनिया गांधी की पहल। 20 अगस्त को बैठक में ममता उद्धव समेत कई दलों के नेता होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के बोरामोला के सोपोर में सुरक्षा बलों के दल ने ग्रेनेड पर हुआ हमला। कुलगाम में पाकिस्तानी आतंकी ढेर। राज्यसभा में हुए हंगामा का मामला। घटना की जांच करेगी विशेष कमेटी। जांच के लिए कानूनी जानकारों से ली जाएगी राय। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी का हुआ तबादला। मनीष की अमेरिका में की गई नियुक्ति। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। देहरादून के गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन दर्शन और व्यक्तित्व पर आधारित पुस्तक सृजन से साक्षात्कार का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि नरेंद्र सिंह नेगी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को अपनी संस्तुति भेजेगी। सीएम ने कहा कि नरेंद्र नेगी वास्तव में समाज के सफल नायक के रूप में रहे हैं। उनके दी राज्यवासियों को अपनी परंपराओं से जोड़ने में मदद कर रही है। नेगी ने गढ़वाल कुमाऊं जौनसार क्षेत्र ही पूरे उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सीएम ने बीते गुरुवार को वंदना कटारिया से उनके आवास पर मुलाकात की थी, जिसके बाद सीएम ने यह घोषणा की। इसके अलावा वंदना कटारिया को रीतु रौतेला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और 31,000 रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है। मतलब अपने इतने बिजी टाइम से निकल के वो यहाँ पे आए, उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो मतलब मैं चाहती थी कि मुझे वो मान सम्मान मिले, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा मान सम्मान किया है। टोक्यो ओलंपिक में गोल की हैट्रिक लगाने वाली हरिद्वार की बेटी वंदना कटारिया को बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना के घर जाकर उन्हें सम्मानित किया था। वहीं गुरु रविदास विश्व महापीठ के बैनर तले तमाम सामाजिक संगठनों ने भी वंदना कटारिया का स्वागत किया है। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरु रविदास विश्व महापीठ के प्रमुख विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि वंदना ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचकर हरिद्वार के साथ साथ अपने समाज का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। सबको हॉकी को दिल से मतलब प्यार। अभी बहुत अच्छी पॉलिसी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाई है, सीएम सर ने बनाई है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आने वाले टाइम में ये है कि जो यहाँ से काफ़ी प्लेयर्स निकलेंगे उनके लिए और ज़्यादा अच्छा। यही है कि मैं खुद भी एक प्लेयर हूँ और मैं खेल रही हूँ, तो अभी उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है मुझे लगता है वो काफ़ी। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीतराम चमोली जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान जीतराम पिंडर घाटी पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उसका जोरदार स्वागत किया। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जीतराम पहली बार विधानसभा क्षेत्र थराली पहुंचे। इससे पहले पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और विकास के मुद्दों पर भाजपा को जनता के बीच बेनकाब करने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे पूरी शक्ति के साथ चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। देखो, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी, हरीश राव जी, गौतम सिंह जी, सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को एक सम्मान दिया है और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मुझे इस प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया है और जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है उसको मैं बखूबी से निभाने का प्रयास करूंगा। हमारे बहुत ही सम्मानित प्रोफेसर जीत राम जी, जो पूर्व विधायक थराली से थे, उनको हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व
जो है सोनिया गांधी जी ने और हमारे प्रदेश नेतृत्व ने इनको जो है कार्यकारी जो है प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। उसी उपलक्ष्य में उनका ये पिंडर का भ्रमण है और सारे जनपद चमोली की जनता कांग्रेस जन हमारे जो है केंद्र नेतृत्व सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, हरीश रावत जी और गणेश गोदयाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चंपावत जिले के देवीधुरा में लगने वाले मां बाराही धाम में मेले को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मेले को सांकेतिक रूप से मनाए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि यह मेला रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है जिसमें दूर दूर से लोग शामिल होने आते हैं। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने सभी लोगों को बग्वाल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि COVID-19 की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बग्वाल का आयोजन सांकेतिक रूप से ही करना सुनिश्चित किया जाए। चमोली जिले में स्थित माता मूर्ति मंदिर में भगवान नर नारायण की उत्सव डोली पहुंच गई। इस साल कोरोना के चलते सूक्ष्म रूप से 2 दिवसीय नर नारायण जयंती मनाई जा रही है। बद्रीनाथ मंदिर में मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी रावल ने भगवान नर नारायण उत्सव मूर्ति का अभिषेक और पूजन किया। उसके बाद भगवान नर नारायण की उत्सव डोली माता मूर्ति मंदिर पहुंची। इस अवसर पर देवस्थानम बोर्ड बद्रीनाथ के प्रभारी अधिकारी सुनील तिवारी, अपर धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपरियाल के अलावा अन्य लोग वहां मौजूद दिखाई दिए। मसूरी में लाइब्रेरी स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। समाज सेवी पंडित मनीष गोनियाल ने सभी छात्रों को सम्मानित किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार वितरित किए गए। समाज सेवी पंडित मनीष गोनियाल ने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के सम्मान में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वो आगे भी लगातार छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे। मेरा नाम अंशिका है, मैं CGM हैम्पटन कोर्ट में क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम में पढ़ती हूँ और मेरे 97% से आए हैं क्लास 12th में। अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इतना इम्पोर्टेंट फील कराया जा रहा है सबको, तो अच्छा लग रहा है देख के सब कुछ। आज मैंने यहाँ 60-70 बच्चों को सम्मानित करा, उसमें से जो फर्स्ट डिवीज़न आए 10वीं और 12वीं के, और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने पूरा प्रयास और जतन करा, क्योंकि बच्चों का भविष्य को देखते हुए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज मैंने ये कार्यक्रम कराया। और आज उनके मुझे भी गर्व हो रहा है कि आज मैं बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए खड़ा हूँ, और मेरा आगे भी पूरा प्रयास रहेगा। मैंने बच्चों को भी काफ़ी उसमें बोला है कि कभी भी कोई दुख परेशानी हो तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। यातायात और अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस महकमे ने जिले के अलग अलग कस्बों में 42 CCTV कैमरे लगाए हैं। सभी कैमरों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बने कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है, जिससे हर जगह की जानकारी और ताजा स्थिति पर निगरानी की जा सके। पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल की मौजूदगी में जिलाधिकारी मनोज गोयल ने CCTV कैमरों का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल की पहल पर कार्य हुआ है, कैमरों की मदद से यातायात और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। उन्होंने व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं अन्य संस्थाओं को भी अपने प्रतिष्ठानों में CCTV कैमरे लगाने का अनुरोध किया है। चाहूंगा कि ये SP साहब के इनिशिएटिव से ना सिर्फ जनपद रुद्रप्रयाग के शहरी क्षेत्र में यहाँ पे बल्कि मुख्यालय में बल्कि पूरे जनपद में कुल मिला के 42 कैमरे लगवाए गए हैं। उनके ओर से जैसे ही ये प्रस्ताव आया तो इतना पॉजिटिव और इतना प्रोडक्टिव ये अप्रोच हमको लगी कि तत्काल इसमें जो है धनराशि रिलीज करते हुए और इतनी जल्दी ये काम पूरा भी करवा लिया गया। आज हमारे पास पूरे जनपद को 40 से अधिक कैमरे जो है कवर कर रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग मुख्य पॉइंट, चाहे आपका तिलवाड़ा हो, अगस्त मुनि हो और मयाली हो, इस प्रकार से विभिन्न जगहों पे ये कैमरे। भगवानपुर थाना क्षेत्र के लव्वा गांव में बिजली कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
और पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई। आपको बता दें कि मृतक बालेश बिजली विभाग में अस्थायी तौर पर लाइनमैन के पद पर तैनात था। ड्यूटी के बाद वो अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पहुंचे स्थानीय विधायक ममता राकेश ने मृतक के परिवार को 51,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की बात कही है। वहीं ठेकेदार ने 4,00,000 रुपए परिवार को देने की हामी भरी है। उच्च न्यायालय में मसूरी के कुछ लोगों द्वारा नगरपालिका परिषद में विकास कार्यों को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि विकास कार्यों को लेकर नगरपालिका परिषद में अनियमितता बरती जा रही है। साथ ही मांग की गई थी कि इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, जिस पर उच्च न्यायालय सुनवाई करते हुए याचिका को आधारहीन बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया है। नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक द्वेष के चलते उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसे न्यायालय ने आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया है। जो आदेश है उसका स्वागत करता हूं, और धन्यवाद करता हूं उच्चतम न्यायालय का, जिन्होंने पालिका की पुकार सुनी, मेरी पुकार सुनी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से नगर पालिका की लगातार झूठी शिकायतें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो समाज के होते हैं उनके द्वारा की जा रही थी, जो उनकी एक सोच विकास विरोधी होती है, और हमेशा से झूठी शिकायतें वो लोग लगातार शासन में करते जा रहे थे, शासन को गुमराह। वही हरिद्वार के थाना बुग्गावाला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने अवैध चाकू और एक सोने की अंगूठी को भी बरामद किया है। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने कुछ समय पहले बहादुराबाद इलाके में हुई डकैती में वो शामिल बताया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान जमाल के रूप में की गई है, जो बुग्गावाला थाना इलाके के तेलपुरा गाँव का रहने वाला है। जमाल के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने कानूनी कार्यवाही करते हुए फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया है। ये जो है थाना बादराबाद में जो पंचकृत अपराध है 197/21 जो डकैती का मुद्दा था, उसमें एक मुख्य अभियुक्त जमाल और शमी पुत्र रफीक ये वांछित चल रहा था। अभी हमारा पुलिस महानिदेशक महोदय का आदेश के अनुसार जो है इस महीने में हम ऑपरेशन क्रेन ड्राइव चला रहा है। इसमें जो है जो भी हमारा जनपद से संबंधित वांछित अपराधी इनाम अपराधी पर हम विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें थाना बुग्गावाला का जो है एक अच्छा सफलता मिली, उसमें जो है आज हमने उनको गिरफ्तार। पौड़ी गढ़वाल के चौपटा खाल विधानसभा के एकेश्वर ब्लॉक में इसौटी गांव की 50 वर्षीय सावित्री देवी पर गुलदार ने हमला बोल दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने महिला को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि महिला खेत में चारा लेने गई थी, तभी गुलदार ने उस पर हमला बोल दिया। आसपास काम कर रहे लोगों ने जब चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वे मौके पर पहुंचे। लोगों के पहुंचने के बाद गुलदार जंगल की ओर भाग गया। सामने खेत था, खेत में गई थी मैं घास लेने, वहाँ पे वो पड़ा था, मैंने उसको देखा, मैं इधर आने लगी, उसने झपट दिया मुझे, भारी वजन उसने लटका दिया मुझे, मैंने दरांती की मारी उसके मुंह पे। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी अब शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस पारे के लिए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेने के लिए भाजपा की विफलताओं के बारे में इस वक्त कांग्रेस बता रही है, वहीं भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए अपनी उपलब्धियों को गिनाने में जुटी हुई है। मंगलौर विधानसभा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अनोखे प्रदर्शन के जरिए भाजपा पर जमकर हमला बोला। कांग्रेसियों ने NH-58 पर दूरबीन के जरिए हरिद्वार सांसद की तलाश की और लापता को ढूंढने वाले को एक कुंतल लड्डू देने वाले बैनर लिखकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। किसानों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, आम आदमी की लड़ाई लड़ी है, ये कांग्रेस का विरोध नहीं है, ये मानो आम आदमी का विरोध है, आम हरिद्वार की जनता का विरोध है। सांसद को ढूंढ रहे हैं, सांसद जी को ढूंढे मिल नहीं रहे हैं। इस बार जब सांसद जी आएंगे तो उन्हें हेलमेट पहन कराना पड़ेगा, वरना लोग बाग किसान तैयार बैठे हैं, पथराव तक हो जाएगा उनके ऊपर, इतने परेशान है किसान और युवा, ये सारे युवा खड़े हैं। एक भी अगर रोजगार उस नई गवर्नमेंट ने सुसज्जित किया हो तो आप मुझे बता दीजिए, कोरोना काल में कितने युवा फ्री हो गए, जॉब उनकी चली गई, कुछ इस गवर्नमेंट ने क्या हो,
एक काम मुझे बता दीजिए, सांसद जी तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुनो, कोई आदमी नहीं, कोई जनता करना नहीं चाहती है। आज जनता को पेट भरने अपने भारी हो रहे हैं, बच्चों को पालना उनको पढ़ाना भारी हो रहा है। इन लोगों का कहना था कि कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन लगा है फिर ही रखेंगे फीस, लेकिन कोई स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, सब कॉन्वेंट स्कूल जो है वो फीस ले रहे हैं। आज जनता सड़कों पर उतर चुकी है। मैं बहुत पहले से मीडिया के माध्यम से कहता था कि एक दिन आएगा कि सरकार, इस निकम्मी सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी, और वो टाइम आ चुका है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज तक इस उत्तराखंड को, तब से हरीश रावत जी गए, हमारी सरकार गई, तब से क्या आपको पता है कि प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री है? बताइए आप, क्या लगता है? हमारा प्रदेश मुख्यमंत्री विहीन, हमारा जिला एमपी विहीन, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? हम समस्या लेकर जाएं तो जाएं कहाँ? और इसी के साथ उत्तराखंड की खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।